सभा की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। माननीय एक एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए ना, एक मिनट रुक जाइए फिर आप। माननीय सदस्यगण, परसों 25 तारीख को इस सदन में जब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर विमर्श चल रहा था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रस्ताव आया था और आप सबों ने, सभी दल के नेताओं ने सहमति प्रकट की थी कि जो प्रस्तावित 2021 की जनगणना है, जो प्रारंभ होने वाली है, वो जातिगत आधार पर हो। इसके संबंध में इसी सदन में पूर्व में भी एक प्रस्ताव लिया जा चुका है और चूंकि अब ये होने वाली है, इसलिए अब उपयुक्त समय है कि एक बार फिर से सदन अपनी भावना से जो संबंधित अधिकारी या प्राधिकार हैं उनको सूचित करावे। और मैंने उस दिन नियमन दिया था कि इसको उपयुक्त समय पर विधिवत प्रस्ताव में लाकर हम लोग इसको सदन की सहमति लेंगे। तो आज हमारा प्रस्ताव है कि उस दिन के विमर्श के आलोक में मैं आपकी सहमति हेतु प्रस्ताव रखता हूं कि प्रस्तावित जनगणना 2021 की जातिगत आधार पर हो। आप सबों की सहमति है तो इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए, सर्वसम्मति से। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। बोलिए ललित जी, क्या करें महोदय? आसन सर्वोपरि है महोदय, और प्रश्न अनुसूचित एक और दो, एक में भी हम लोग संतुष्ट नहीं थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब था जो नहीं, मुख्यमंत्री जी का था एक में, जो तालाब नहर पर लोग हैं और उसको बेघर नहीं किया जाएगा, हम उसको उचित जमीन मुहैया करा के और उचित राशि भी देंगे महोदय। तो उस प्रसंग में भी जवाब था, आपने मौका नहीं दिया। दूसरा प्रश्न था महोदय किसान से और किसान के हित के सवाल था महोदय। हम लोगों ने कहा 11 लाख किसान आवेदित है, उसमें मंत्री जी 6 लाख आवेदन को कहे कि उसको दिया गया और ऑनलाइन किया जाए। महोदय ऑनलाइन बहुत किसान को जानकारी नहीं है, और जब प्रश्न पूरक पूछा गया तो माननीय मंत्री जी का जवाब जो हुआ महोदय, आसन के सब नजर में है, माननीय मंत्री जी सबको देख के बहुत उत्साह रहे थे। आप बोलिए। और महोदय 10 मिनट तक ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किए, हम लोग सदन में महोदय प्रश्न का जवाब सुनने आए हैं महोदय। हम मंत्री का उत्तर से हम जलील होने नहीं आए हैं, और एक ही बात को बात बात नहीं महोदय। आपको कहता हूं इस तरह से सदन चलेगी तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे महोदय। और महोदय जिस तरह से नहीं, जिस तरह से मंत्री का जवाब होता है, आपका बजट भाषण होता है, 15 साल में जितना लूट हुआ है आजादी के बाद तक, आज तक कोई सरकार में लूट नहीं हुई। आप दूसरे को कहना चाहते हैं लूटेरा सरकार, दूसरे को कहेगा आप भी आसन से भी कोई निर्देश नहीं हुआ मंत्री को? नहीं महोदय, आपने मंत्री को कोई निर्देश नहीं दिया? आप मेरी बात सुनिए, फिर जो मन होगा बोलिएगा। अपमानित करने के लिए अरे माफी मंत्री, आप मेरी बात, हम लोग महोदय सदन का बहिष्कार, हम लोग सदन को नहीं चल रहे। आप मेरी बात सुन लीजिए, मंत्री से माफी मांगिए, एक मिनट सुन लीजिए। माननीय ललित जी, आपने दो प्रश्नों का हवाला दिया है। पहला प्रश्न जो श्री भोला यादव जी का था, जिसमें जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत जल स्रोतों पर जो अतिक्रमण है उसके मुक्त कराने के संबंध में वो प्रश्न था, उसमें माननीय मंत्री, अरे बैठिए ना रविंद्र जी, काहे को अव्यवस्था, व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था मत करिए। नहीं बैठिए, अभी बैठ जाइए। और उसमें माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम लोग कर रहे हैं, और जो भी इस तरह की